अभी अभी अंबानी ने जियो के हर ग्राहक को दिया नए साल का बड़ा तोहफा, खुशी से उछल पड़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी जियो डीटीएच सर्विस से संबंधित कुछ जानकारी, जिसमें आप कैसे फ्री ऑफर्स कहां से खरीद सकते हैं, कौन सा सेक्टर बॉक्स आपके लिए सही रहेगा और कैसे करना है इसका रजिस्ट्रेशन। रिलायंस जियो के कस्टमर के लिए एक और खुशखबरी है, फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, फ्री मैसेज के बाद जियो बेहद सस्ती डीटीएच सर्विस लॉन्च करने जा रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर को कड़ी टक्कर देने के बाद रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड प्राइवेटाइज की दौड़ में भी सबसे आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। अब जियो एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डीटीएच आदि के लिए खतरा बनेगा। रिलायंस जियो से उम्मीद है लोगों को अब टीवी के बिना ही आराम मिलेगा। जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली तो सभी लोग खुशी से उछल उठे। आपको ये तो पता ही है 2016 से जियो अपने डीटीएच प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, क्योंकि अब यह पूरा हो चुका है। इस खबर के मार्केट में आते ही कई सारे मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों ने जियो के खिलाफ कार्रवाई की, याचिका दर्ज करा दी है और पीएमओ को लेटर भी लिखते हुए जियो को गैरकानूनी बताते हुए जियो के फ्री ऑफर्स को बंद कराने की अपील की। इसका जवाब देते हुए अंबानी ने कहा, मैं भारत को बिजनेस की नज़र से नहीं देखता, यह मेरा देश नहीं, यह मेरा घर है और मेरे घर के सदस्य को कोई लूटे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। जो कोई भी हमारा विरोध करना चाहता है तो वो भी अपनी सर्विस को फ्री कर दे, उसे किसने रोका है। मुझे अपने देशवासियों को उपहार देने से कोई नहीं रोक सकता। और जब से ही सभी कंपनियां अपने ग्राहकों को बचाने के लिए तरह तरह के प्लान की घोषणा कर रही है, ऐसा माना जा रहा है अब तक की सबसे सस्ती सर्विस जियो की ही होगी। इसके चलते एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की टेलीकॉम कंपनियां नई नई ऑफर्स लाने की तैयारी में लग गई हैं। रिलायंस जियो के इस ऑफर के बाद एयरटेल ने अच्छी तैयारी की। एयरटेल ने भी प्री पैड, पोस्ट पैड डीटीएच यूजर्स के लिए काफी आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। इसी के साथ कंपनी ने डीटीएच यूजर्स के लिए खास प्लान रखे हैं। एयरटेल ने हाल ही में फ्री ब्रॉडबैंड पेश किया है जो कि 100 एमबीपीएस की स्पीड यूजर्स को देगा। हालांकि जियो से सबसे सस्ते और बेहतर स्पीड की डीटीएच सेवा की उम्मीद की जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जियो 99 रुपए का डीटीएच प्लान लेकर आ रही है। अगर इसे दूसरे ऑपरेटर से कंपेयर करें तो 275 से 500 रुपए तक का प्लान देते हैं। ऐसे में ये सबसे सस्ता प्लान माना जा रहा है और इसकी सबसे खास बात ये है कि आपको अंबानी जी की तरफ से पहले 6 महीने फ्री डीटीएच सर्विस का उपहार दिया जाएगा, जिसमें 3 अलग अलग तरह के सेटल बॉक्स मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। इसके पहले सेटल बॉक्स से आप डीटीएच का मजा ले सकते हैं, यानी आप केवल टीवी चैनल्स ही देख पाएंगे, तो वहीं दूसरा प्रकार का सेटल बॉक्स से आप डीटीएच सर्विस के साथ साथ ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, वाईफाई का भी मजा ले पाएंगे। आपको यह इंटरनेट सेवा काफी सस्ती मिलेगी। और वहीं तीसरे प्रकार का सेटल बॉक्स पोर्टेबल बॉक्स है और सभी सेवाओं से लैस है। यह थोड़ा सा महंगा रहेगा, लेकिन आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे आप कहीं पे भी टीवी देख सकते हैं और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा का मजा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है इन बॉक्सों की कीमत और कहाँ से ले सकते हैं आप ये सेटल बॉक्स। पहला सेटल बॉक्स जो मिलेगा आपको है मात्र 99 रुपए में, जो केवल टीवी चैनल्स के लिए होगा। तो वहीं दूसरा सेटल बॉक्स मिलेगा वो लगभग 999 रुपए में होगा। वो आपको टीवी चैनल के साथ साथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट भी देगा। और तीसरे प्रकार के सेटल बॉक्स की कीमत 1999 रुपए है, जिसमें छतरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो आपको टीवी चैनल के साथ साथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और वाईफाई इंटरनेट भी देगा। अब मैं आपको बताती हूँ आप कहाँ से खरीद सकते हैं ये बॉक्स। हालांकि ये सभी सेटल बॉक्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जो बड़े बड़े डीलर्स को दिए गए हैं और वो कुछ चुनिंदा कस्टमर के द्वारा इसकी सर्विस और गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं, जिससे जो रिजल्ट अभी आ रहा है वो बहुत अच्छा है। और ऐसा माना जा रहा है अंबानी जी इसका आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं, जब तक सभी शहरों में सेटल बॉक्स पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद आम जनता इसको खरीद सकती है। जियो डीटीएच का भी रजिस्ट्रेशन जियो सिम की तरह ही आधार कार्ड से होगा। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।